आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर राज एवं राज राष्ट्र की आय पढ़ने वाले हैं। आय लोगों को अपने परिश्रम के फल स्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती है उसे उनकी आय कहते हैं। लोगों की आय के द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, चाहे वो देश में प्राप्त किए हो या विदेशों में जाकर प्राप्त किए हों। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश में है। भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सरकार ने 1951 में केंद्रीय संगठन की स्थापना की है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सहायता करता है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तु और सेवाएं अधिक मात्र में उपलब्ध होती है। केवल आय में होने वाली वृद्धि किसी देश की आर्थिक स्थिति को नहीं व्यक्त करती है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता है। किसी देश का राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है होता है वह उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय की धारणा कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की धारणा को निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जो उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है। इसमें परिवार द्वारा की गई खरीदी भोजन वस्त्र आदि और पूंजीगत वस्तुएं मशीन फर्नीचर एवं परिवहन के लिए गाड़ियां इत्यादि शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के लोगों द्वारा चाहे वे अपने देश में हो या विदेश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पाद का मौद्रिक मूल्य है। इसके उत्पादन में मशीन औजार कारखाने का भवन इत्यादि का एक अंश नष्ट हो जाता है और उनकी समय समय पर मरम्मत करानी पड़ती है या बदलना पड़ता है। इसे घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय कहते हैं। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय। राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से की जाती है जो निम्नलिखित हैं। उत्पादन गणना विधि आय गणना विधि व्यय गणना विधि उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को कृषि उद्योग व्यापार परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को बाजार मूल्य तथा निर्यात विदेशों को भेजने वाली वस्तु एवं आयात विदेश से आने वाली वस्तु के अंतर को जोड़ दिया जाता है।
आय गणना विधि व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस विधि को आय गणना विधि कहते हैं। व्यय गणना विधि, व्यक्ति अपनी आय को वस्तुएं और सेवाओं पर व्यय खर्च करता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों को व्यय को जोड़कर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। पूरे देश में लोगों की आय को उत्पादन के रूप में या उनकी आय के रूप में आंकते हैं, इन्हें एकत्र करना मुश्किल है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो सकती है। दोहरी गणना की संभावना, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर की मासिक आय 20,000 रुपये है, जिसमें से वह 5,000 रुपये कंपाउंडर को देता है। यहाँ कंपाउंडर की आय की पृथक रूप से गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी गणना डॉक्टर की आय में हो चुकी है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव, देशों में उत्पादित बहुत सी वस्तुओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय लेन देन नहीं होता है। कुछ वस्तुओं का उत्पादक स्वयं उपभोग कर लेते हैं या उनका अन्य वस्तुओं से लेन देन किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने में ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन करने में कठिनाइयां आती है। मूल्य को मापने में कठिनाइयां, कोई भी वस्तु पहले कारखाने में थोक विक्रेता और इसके बाद खुदरा विक्रेता के पास आता है। प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, अतः इसको मापने में कठिनाइयां होती है। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान, आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से गहरा संबंध है। विकास का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में हुए उत्पादन को कहते हैं। जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, वैसे वैसे उत्पादन में वृद्धि होगी। श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्तियों का विकास होता है। बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार, किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उनकी उत्पादक क्रियाएं होती है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आय में वृद्धि होती है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है। द्वितीयक अथवा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य की आय में इसका क्षेत्र का योगदान काफ़ी कम है। वर्तमान में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम सबसे कम है। बिहार के कुल 38 जिलों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना एवं न्यूनतम सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है। अगले पार्ट में मिलेंगे।